Hi everyone, myself Bhavini Patel from Ashwamedh Vidyalaya. Today's subject is English and our topic O sound word. Last session में हमने O sound word की practice करी थी, like what is O sound word and O family से start किया था हमने. O family, then op family, odd family, og family, op family and om family, on family and odd family. So this word how to read, then उसकी practice हमने करी थी. So today I'm going to teach you look at the picture and write spelling. But first we draw picture here and then write the spelling. Okay. First we draw a dog picture. Draw the small circle joining by big circle. Draw the eyes and mouth and draw the ears. Okay. Then, which picture is this? Dog. The spelling, first letter D, second letter O and third letter G. So how to read the spelling? D O G, dog. D O G, dog. ये पूरी line हमें ये spelling लिख करके complete करनी है. Okay. D-O-G, dog. The next picture is, we draw top. First draw the sleeping line, joining by cow. Okay, bottom cow. Then slanting line, start from the left side and draw the other slanting line, start from the right side, then joining with the curve. और यहाँ पे हमें एक sharp बना देना है. Okay, sharp होना चाहिए इसे. और यहाँ पर एक square जैसे draw करेंगे. So which picture is this? Top. ये हो गई हमारी कुछ curve जैसी line है. Okay, ये टॉप रेडी है. देन वी विल राइट टी ओ पी टॉप. 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 द नेक्स्ट पिक्चर इज लॉग. हम यहाँ पर लॉग ड्रॉ करेंगे. लॉग. फर्स्ट वी ड्रॉ अ सर्कल. ओके, यहाँ से हमें सर्कल टीचर ने कहा से आपको स्टार्ट करके दिखाया, आपको लेफ्ट साइड से नीचे से. ओके, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया मैंने. 1 2 3 4. ओके, ऐसे हम कर सकते हैं. बीच में हम छोटा सा डॉट कर सकते हैं. देन जॉइनिंग बाय दिस लाइन, यहाँ तक मैंने ये स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करी. यहाँ से गैप कर दिया टीचर ने, फिर वापस ये स्लैंटिंग लाइन को कंटिन्यू किया. ओके, वैसे ही हमें, बिल्कुल वैसे हमें यहाँ से एक स्टार्ट करना है पूरा ऐसा स्लैंटिंग लाइन. ओके, पर यहाँ पर हमें कोई गैप नहीं होगा और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूँगी. ओके, देन एक यहाँ से थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करते हुए और यहाँ पर छोटा सा सर्कल कर दो. ओके ओके, यहाँ पे मैंने लॉग, ये लॉग यानी कि एक बड़ा सा पेड़ होता है, उसकी कटी हुई लकड़ी मोटी सी. ओके, तो उसको हम लॉग बोलेंगे. सो एल ओ जी लॉग. एल ओ जी लॉग. देन हाउ टू साउंड दिस वर्ड? ल ऑग. ल ऑग. अगर फोनिक साउंड में हमें बोलना है तो ल ऑग. लॉग. लॉग. हम सी वी सी वर्ड जब पढ़ते हैं तो लॉग ऐसा बोलेंगे. एल ओ जी लॉग. एल ओ जी. स्पेलिंग को हम ऐसे ही रीड करेंगे. ओके किड्स, एल ओ जी लॉग. एल ओ जी लॉग. This complete.
गो टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ भी हमने थ्री बॉक्स बना दिया है. ओके, फर्स्ट पिक्चर, देन फोर्थ पिक्चर इज डॉट. यहाँ पे मैं डॉट ड्रॉ कर रही हूँ. डॉट में आप पेंसिल से भी अभी तक कलर कर सकते हो, फिर बाद में हम वो कलर का यूज़ करते हैं. अगर वो आपको कलर करना है तो वो भी आप कर सकते हो. मैंने पेंसिल से किया है. ओके, डॉट द स्पेलिंग डी ओ टी डॉट डी ओ टी डॉट डी ओ टी डॉट ड ऑट डॉट ड ऑट डॉट डी ओ टी डॉट डी ओ टी डॉट. ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर वी ड्रॉ मोप. ओके, मोप ड्रॉ करेंगे हम. सबसे पहले मैं ड्रॉ करने वाली हूँ ऐसे रेक्टेंगल, बट क्रॉस में होना चाहिए. ओके, आप स्लैंटिंग लाइन, टू स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करके भी आप उसको क्लोज करके बना सकते हो ऐसा. ओके, ये हो गया मॉप का अपर पार्ट. देन जॉइनिंग बाय कर्व, और यहाँ से मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, इसको क्लोज कर दूँगी. इसको हाफ सर्कल से मैंने जॉइन कर दिया. देन ड्राइंग दिस लाइन टू लाइन, और यहाँ से मैं एक छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दूँगी. ओके, ये हो गया मॉप. वापस इसके पास मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँगी, वापस एक बार ऐसे ड्रॉ करूँगी. ओके, हो गया हमारा मॉप. स्पेलिंग एम ओ पी मॉप, एम ओ पी मॉप, एम ओ पी मॉप. ओके, द नेक्स्ट पिक्चर वी ड्रॉ पॉट. ओके, एक छोटा सा मटका ड्रॉ करूँगी, पॉट, उसको क्या बोलोगे, पी ओ टी पॉट. सो फर्स्ट वी ड्रॉ ओवल शेप. ऐसे मैंने छोटा सा एक ओवल शेप ड्रॉ किया. देन जॉइनिंग बाय दिस कर्व. ओके, फिर इनको जॉइन करते हुए मैंने एक सर्कल बना दिया, और यहाँ से भी मैंने जॉइंट करके इनके साथ मैंने जॉइन कर दिया. ओके, विच पिक्चर इज दिस, पॉट. और यहाँ से मैं लाइन बना दूँगी, एक और लाइन हो जाएगी, यहाँ पर एक और हो जाएगी. ओके, तो ये हो गया पॉट रेडी. पी ओ टी पॉट, पी ओ टी पॉट. रेडी दिस पॉट एंड दिस वर्ड. नेक्स्ट इज वी ड्रॉ बॉय, बी ओ वाई बॉय. फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द हियर. एक ऐसा शेप बनाएगी. ओके, ये मैंने शेप रेडी किया. इसको हम थोड़ा ऊपर तक लेके जाएंगे. देन ड्रॉ द हेड विथ हेयर. ऐसे मैं एक थोड़ा सा जिगजैग और थोड़ा सा टर्न लेकर के मैंने इसका हेयर बना दिया है. और यहाँ पे मैं उसके ईयर ड्रॉ करूँगी, वन ईयर ओनली. यहाँ पर ये जो क्रॉस में है तो हमें एक ही ईयर ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर. ओके, ये हो गई आइज. सिंपल आइज ड्रॉ कर रहे टीचर. देन ड्रॉ दी नोज एंड माउथ. ही इज़ अ स्माइली फेस. और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऐसा कर्व बना करके जॉइन किया है. इधर से हैंड ड्रॉ करूँगी, और ये रहा हैंड्स. और फिर यहाँ पर छोटी सी एक लाइन बना करके यहाँ पर मैं स्टॉप कर रही हूँ. सेम साइड सेम हम ऐसा करेंगे. देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर टीचर ने सेम किया है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. ओके, ये हैंड एंड फिंगर ड्रॉ कर दिए. और यहाँ पे मैं एक बॉडी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं. ओके, और यहाँ से मैं लेग ड्रॉ कर रही हूँ. बिल्कुल
वैसे ही दोनों साइड से हमें लाइन सेम कर देनी है, फिर बीच में से एक ट्रायंगल बना देना है और उसके साथ हम ऐसे करके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके हम ज्वाइन कर देंगे और उसके शूज़ बना लेंगे। ओके, ये हो गए उनके शूज़। ये छोटा सा बॉय है तो मैंने स्मॉल स्मॉल ऐसे ड्रॉ करा है। अब थोड़े से हेयर आपको बढ़ाना है तो आप कर सकते हो यहाँ पर। ओके, ओके एवरीवन, सो बॉय रेडी, देन हियर वी राइट द स्पेलिंग बी ओ वाई बॉय। विच पिक्चर इज दिस बॉय? सो बी ओ वाई बॉय, वी राइट बी ओ वाई बॉय। ओके, देन बी ओ वाई बॉय राइटिंग फिनिश दिस स्पेलिंग। द नेक्स्ट पिक्चर वी ड्रॉ कप एंड शॉसर। ओके, यहाँ पर हम हॉट पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। हॉट बताते हुए जो कप है उसमें टी है, वो हॉट है। देन वी राइट द स्पेलिंग एच ओ टी हॉट। सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ कप, ये हो गया कप। आप ऐसे यू बना सकते हो लेकिन यू थोड़ा सा हमारा ये स्ट्रेट होगा, बट यहाँ पर से क्रॉस हो गया तो कप ऐसे इजीली रेडी हो जाता है। देन ड्रॉ द ओवल शेप और ये हो गया हमारा टू कर्व्स एंड जॉइनिंग बाय शॉशर। ओके, ये प्लेट है वो भी मैंने कर दी है। ओके, देन जब इसमें कॉफ़ी या टी होती है तो बहुत गर्म होती है, उसको हम बोलेंगे हॉट। एच ओ टी गर्म है, मतलब हॉट। एच ओ टी हॉट यानी कि गर्म। एच ओ टी हॉट, सो वी राइट एच ओ टी हॉट। एच ओ टी हॉट, एच ओ टी हॉट। ओके एवरीवन, सो लास्ट स्पेलिंग इज फिनिश। देन एच ओ टी हॉट और सारी स्पेलिंग हमने ये फिनिश कर दी विथ पिक्चर। एंड आपको भी ऐसे खुद ड्रॉ करना है। यहाँ पर टीचर ने लिखा है लुक एट द पिक्चर, बट पिक्चर भी आपको ही ड्रॉ करना है और स्पेलिंग भी आपको लिखनी पड़ेगी। ओके एवरीवन, ओके बाय।